તલપાપડ બનેલા પરપ્રાંતિયોએ જંબુસરના ધારાસભ્યને રજૂઆત કરી હતી। कोरोना वायरस ने लई लॉकडाउन छे, श्रमिकों ने रोजी रोटी छीनवाई जता तेओ मादरे वतन जवा माटे भाड़ानी रकम तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करी होवा छतां वतन फरवाना कोई अंधार न मरता यूपी बिहार झारखंड परप्रांतीय धारासभ्य संजय भाई सोलंकी ने रजूआत करी। कोरोना वायरस ने महामारी ने लई लॉकडाउन ने 50 दिवस उपरांत थया छे, परप्रांतीय श्रमिकों ने रोजीरोटी छीनवाई छे। तेओ पीआई कंपनी कॉन्ट्राक्टर अंसोर कंस्ट्रक्शन तथा दीपक एंजीनियरिंग में काम करता श्रमिकों ने लॉकडाउन शुरू थयु त्यारथी ज आज दिन सुधी पगार आपवामां आव्यो नथी, जेने लई परप्रांतीयोनी हालत कफोड़ी बनी छे। श्रमिकोए मादरे वतन जवा माटे भाड़ानी रकम हेल्थ चेकअप सहितनी प्रक्रिया पूर्ण कर्याने 10 दिवस उपरांतनो समय वीती गयो होवा छतांय वतन फरवाना कोई अंदाज न देखाता जंबूसर मत विस्तार धारासभ्य સંજયભાઈ સોલંકીની રજૂઆત કરવા શ્રમિકો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા અને ધારાસભ્ય પાસે પોતાની વેદના ઠાલવી હતી અને વહેલી તકે વતન મોકલવામાં નહીં આવે તો ચાલતા વતનની વાટ પકડશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। ધારાસભ્ય દ્વારા પરપ્રાંતિયોને હૈયા ધારણ આપતા જણાવ્યું હતું કે 2-3 દિવસમાં શ્રમિકોને વતન મોકલવામાં આવશે તથા જરૂર પડે ધારાસભ્ય પોતાના ખર્ચે શ્રમિકોને ભરૂચ કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે રજૂઆત કરવા લઈ જશે તેમ જણાવ્યું હતું। યાકુબ પટેલ, જોડેશ્રી, ભરૂચ। આપકા નામ? મારા નામ સંજય કુમાર, બિહાર કા રહેને વાલા હું, મુઝફ્ફરપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ બિહાર કા, ઓર મેં ઘર જાના ચાહતા હું। મેરે કો યહાં 7 તારીખ કા ટિકટ લિયા હું ઓર આજ તક અભી તક હમકો આજ કલ કરકે યહાં કા પ્રશાસન ઓર યહાં કા જો કલેક્ટર હૈ એમ मालदार क्या है बोलते नगर पालिका में दौड़ तक हम लोग थक गए हुए हैं। हम लोग कुछ यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग को सिर्फ घर जाना है। हम लोग अगर नहीं 1-2 दिन के अंदर में हम लोग को कुछ मिलता है परमिशन तो हम लोग पैदल जाएंगे, और नहीं तो सरकार से ही निवेदन है कि हमको लोग को लाइन में खड़ा करा के गोली मार दे। इधर आप कहाँ रजूआत किया? यहाँ नगर पालिका में जम्मू सर में। और आज अभी कहाँ आए? अभी तो हम लोग यहाँ MLA के पास आए हुए हैं, तो हमारे वहाँ का राधामोहन बिहार का जो MLA है संसद, उनसे बात हुई है। क्या बात हुई है पता नहीं, अभी हम लोग बहुत मजबूरी 15 दिन का खाए हुए हैं, अभी तक हम लोग 15 दिन तक सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं।